चचा रचित चित्र है भारी। ये जो चित्र है संसार की, जो संसार जो है ये एक विचित्र चित्र है। चित्र होता है नक्शा, एक नक्शा है, चित्र है, सब चित्रण किया हुआ है संसार, रेखांकित किया हुआ है संसार। पेड़ पौधे चित्र नहीं है, लेकिन ये चित्र जिंदा जागता है, हिलता जुलता है, वो चित्र नहीं है, स्टिल है, लगातार विचित्र है ये चित्र। रजत चित्र है भारी, संसार का जो चित्र है बहुत भारी है, इसे हम देख रहे हैं, हैरान भी हो रहे हैं, लेकिन हमने करना क्या है, चित्र में फंसना नहीं है। हमने चित्र को देखना जरूर है, चित्र में फंसना नहीं, देखना है, क्योंकि चित्र में चित्र जो चित्र जिसने बनाया है, चित्रकारी है, उसको देखना, ध्यान उसका करना है, देखना चित्र है। कुदरत जो है ये चित्र है, इसमें तो कुदरत में से कादर देखना है हमने, जिसने चित्र बनाया है उसे ढूंढना है, इसमें वो कहाँ है, उसकी बुद्धि कितनी विशाल है, उस बुद्धि को समझना है। तज चित्र, चित्र की अविहेलना करो, इसकी परवाह मत करो, इसमें मोह मत फंसो, इसमें मत फंसो, चित्र में जिसने चित्र बनाया है उसका ध्यान करो, उस पे ज्ञान कितना है, उसके गुण कितने हैं। जो पेड़ बनाया तो पानी भी ऊपर से देता है, सिस्टम कैसा बनाया पानी देने का, सूरज बनाया है, बगैर सूरज के पानी आ ही नहीं सकता था, बगैर सूरज के इनकी जीवन ही नहीं है पेड़ पौधों का, सूरज तो मिलती है ना, लकड़ी कहाँ से आती है, कार्बन कहाँ से आती है, कार्बन में हीट कहाँ से आई, सूरज के कि हीट है पत्ते लेते हैं, पत्तों के जरिए स्टोर होती है अग्नि, जब जलाते हैं वही अग्नि निकलती है। हाँ, कैसा चित्र है, क्या कुछ बना है, कैसे बनाया है, वही पानी है, वही अग्नि है, उसमें ही गीले पानी में अग्नि धर रहा है, स्टोर कर रहा है, लकड़ी में अग्नि स्टोर कर रहा है, वहाँ पानी है, और पानी खुद अग्नि है सारा, पानी तो अग्नि है, जल में अग्नि उठी अधिकाए। अगर पानी को हम तोड़ लें, कार्बन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैस बनती हैं, दोनों को जला दें आग बनती है, पानी कहाँ गया, आग रूप धारण कर गया। साइंस में इसका नाम H2O है, दो हिस्से हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जलने वाली गैस है, पर बगैर ऑक्सीजन के जलती भी नहीं, ऑक्सीजन जलाने वाली है, कुछ जरूरत नहीं कहीं से लाने की, पानी ही जल जाता है। जब ऐसे दो अलग अलग गैसों में बांट देते हैं, खुद ही अग्नि का रूप धारण कर गया, क्या बनाया है, आग पे पानी को डाल दें आग को बुझा देता है, अगर पानी आग पे डालें तो बुझा देता है आग ही, क्या बात है। जब इसको देखते हैं, चित्र को विचारते हैं, फिर पता पड़ता कि चित्रकारी की बुद्धि कैसी है। हम तो समझते समझते पागल हो जाते हैं, उसे बुद्धि जवाब दे देती है। फिर भी लोग उसे नहीं मानते, इसका मतलब है वो बुद्धि बिल्कुल बुद्धिहीन है जो नहीं मानते, वो बुद्धि विहीन आदमी है जो नहीं मानते। तज चित्र,
चित्र में अगर उलझ गए हम ना, जैसे साइंसदान उलझ गए चित्र में, विकास वाले चित्र में उलझ गए, साइंस चित्र में उलझ गई। गुरबाणी कहती है चित्र में को छोड़ के रखो, अलग रहो इससे, इसको ध्यान से त्याग दो, रखो चित्तकारी, चित्रकार से जुड़ो, चित्र से न जुड़ो। ये चित्र से जुड़े हैं, चित्तकारी छोड़ दिया संसार ने, संसार ने चित्तकारी छोड़ दिया, चित्र से जुड़ गए। भक्तों ने चित्र छोड़ दिया, चित्तकारी से जुड़ गए। इसलिए भक्त संसारियों का, भक्ता और संसारियों का जोड़ आता ही नहीं कहीं। वो चित्तकारी की बात करते हैं, वो चित्र की बात करते हैं। चित्र तो तुम्हारे सामने है, इसकी बात क्या करोगे, चित्तकारी बताओ क्या है। हम चित्रकारी की बात करते हैं तो चित्र की बात कर रहे, ये तो आंखों से देखता ही है, इसकी बात क्या करनी है, कोई यो कर देगा। बात उसकी करो जो देखता नहीं तुम्हें, बात उसकी करो जो तुम्हारे ज्ञान इंद्रियों से पकड़ के से परे है, फिर मजा है ना बात का। साइंसदानों पे क्या विचारों पे, यही देखा जो उसके सामने है, फंसा दी लो पब्लिक। चित्र विचित्र विचित्र चित्र है, यह अबझेरा है, यह कच्चा कुआ है, कहो बहुत गहरा गहरा कच्चा कूप है, कूप गहरा बहुत गहरी खड्ड है ये, अगर इसमें कोई गिर गया बाहर नहीं निकला, जो इसमें गिर गया नहीं बाहर निकला। अब संसार इसमें गिरा हुआ है, चित्र विचित्र यह अब झेरा, ब्रह्मा इसमें गिर गया कई करोड़ साल, नेत नेत कह के बाहर निकला, इसकी खोज में निकल गया था कहते हैं। नेत नेत मुखचार बतावा, बेअंत बेअंत कह के बाहर आ गया। अब साइंसदान कहाँ तक जाएंगे, अभी खड़े कर देंगे हाथ। चित्र विचित्र है अब झेरा, बहुत उल्टा जटिल झेरा है ये, जटिल, इसमें से निकला ही नहीं जो इसमें फंस गया। साइंसदान इसमें फंस के निकल ही नहीं सकते बाहर, चित्र में फंसे रहेंगे, चित्रकारी को ही भूल जाएंगे, चित्रकारी को भूल गए, वो खुद भी चित्रकारी थे, उन्होंने अपना जो बॉडी बनाई है चित्र बनाया, आप ही बनाया है। जिसने बनाया वो अंदर है, उसकी बात नहीं कर रहे, बॉडी की बात कर रहे हैं। जिसने बॉडी बनाई है उसकी बात छोड़ दी, अपनी खुद की बात छोड़ दी, बॉडी की खोज कर रहे हैं डॉक्टर भी। तुम्हारा क्या होगा ये फिक्र नहीं, बॉडी का कुछ ना हो जाए ये चिंता है, अपनी नहीं चिंता, बॉडी की चिंता है। क्या बुद्धिहीन है, कौन कहेगा ये बुद्धिमान है, बुद्धिहीन है ये, गुरवाणी ने बुद्धिहीन मानती है, जैसे अपनी चिंता नहीं। आपका आप डिप्रेशन में चले गए, बॉडी के लिए इतना कुछ कर लिया, अपनी बीमारियां बढ़ती चली गई, डिप्रेशन तक हार्ट अटैक तक पहुंच गए, उसका फिक्र ही कोई नहीं। फिक्र किसका, बॉडी का, उसका फिक्र है। पैर गल गया, पैर की चिंता नहीं, जूते की चिंता है। पैर के गुण गल गए, गुण गल गए उनकी चिंता नहीं है। हाथ में कुछ मांस गल गया, इसकी चिंता, इसका ऑपरेशन तो है, जो गुण गल गए उसका ऑपरेशन कैसे करोगे। हर बिस्तर तेरे गुण गलिया, जो तुम्हारे गुण गल गए उनका इलाज कौन करेगा, अब गुण आ गए उनका इलाज कौन करेगा, वो ऑपरेशन कौन करेगा, वो ऑपरेशन कबीर कर रहा है, यही ऑपरेशन है।
कि इनसे प्रेम करो, इनका ऑपरेशन करो, इन्हें समझाओ। गुरुवाणी वही ऑपरेशन कर रही है, अंदर के रोगों का ऑपरेशन कर रही है गुरुवाणी, इलाज कर रही है। ये बाहर के शरीर के रोगों का कर रहे हैं और बड़े बड़े फिरते हैं, कितने कितने बड़े हॉस्पिटल बनाए, और अंदर के ऑपरेशन के लिए कुछ भी नहीं बनाया। इसके लिए दो पैसे खर्चने को तैयार नहीं। पखंड बात के लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर देंगे, सच के लिए दो पैसे खर्च करने को तैयार नहीं कोई। ये तो हाल है इनका, तो मरेंगे ना और क्या करेंगे, मरेंगे, बुद्धि खराब है। किस चीज पे तुम्हें ध्यान देना है, किस चीज पे नहीं देना, तो इतनी बुद्धि नहीं जिस आदमी को, तो फिर उसके कौन बचाएगा, उसे उसे नहीं बचाया जा सकता। चित्र विचित्र है अब झेरा, ताज चित्र ये संसार को त्यागो, त्याग रहे हैं संसार, कौन त्याग रहे हैं, चित्राक चितेरा, ये तो प्लान बना रहे हैं मेरा इलाज हो, सारी जुस सर फौज बना, सब झगड़ा ही इस पे है कि चित्र पे कब्जा मेरा हो, जो छुड़ाया उस पर चिम उलझ रहे हैं, बुद्धिहीन है सब। जो चितेरे के साथ जुड़ जाएगा उसे हार्ट अटैक नहीं हो सकता, उसे डिप्रेशन नहीं हो सकता, जो चित्र के साथ जुड़ेगा उसे सब बीमारियां उसी को के लिए पैदा की गई हैं। एक कोरोना भी उसी के लिए है, दूसरे के लिए कोरोना है ही नहीं, उसका शरीर ही नहीं उसे कोरोना से क्या मतलब,